हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक बार और फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैं सही से शॉक नहीं करवा पाया आपको, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से शॉक करा पाऊँ। और रुक जाओ, पहले थोड़ा सा भाइयों को भरे फिरने में देख लीजिए। और ये देखिए गाइस, ये छत देख रहे हैं आप, जहाँ पे मिस्त्री है वहाँ पे आज़म की दूसरी मंजिल तैयार हो रही है। ये एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर कबूतर लेके जाने वाला है अपने। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है कि मतलब कब उड़ेगा इंशाल्लाह नौका उतरेगा, और सब उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इनाम भी बहुत अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और ये देखिए गाइस, इस कबूतर का मैं शौक कराना चाहूँगा आपको। पूरा आ रहा ना कबूतर वीडियो में, देखो ज़रा। चलो ये देखिए गाइस, पहले कबूतर का मैं आपको शौक कराता हूँ। ये होता है दुबाज कबूतर, इन्हें हम अपनी लैंग्वेज में दुबाज कहते हैं। और ये बड़ी लंबी लंबी बाजू का होता है, उड़ते हुए बड़े खूबसूरत लगता है। ये गोला दुबाज नहीं है, ये दुबाज असली वाले दुबाज है, उड़ने वाले दुबाज। ये देखिए, दूर से दिखा दूर से। और ये देखिए इसकी पूंछ, देखिए इसका पंजा शौक करिए, इसे ढूंढ कर रखा है गाइस। इसे हिलाने के उड़ाने के बाद कितना घंटे उड़ा हुआ तेरे? लाया था उड़ा हुआ नहीं है अभी। 1000 रुपये का कहाँ से? अच्छा ये देखिए गाइस, ये बड़ा खूबसूरत होता है। अब अपने घर की पट्टियों का शौक करा, जब तेरे घर के है उड़े हुए है, इले हुए उड़े हुए दुबाज है, उन दुबाजों का इन्हें बंद कर दो पहले, या बिना बंद करे ही रुक जाओ, कुछ कबूतरों का शौक कराते हैं हम अपने भाइयों को। और मैं पहले शौक कराता हूँ आपको, ये रही यो ये तेरे घर की पट्टी जो फिर भी आ गई थी, चीची बच्चा। पूरा कबूतर दिखना चाहिए भाइयों को, ये देखिए। पहले ये देखिए, आज़म को सिर्फ और सिर्फ दुबाज कबूतर का पालने का शौक है, खूबसूरत। इससे पहले जो दुबाज कबूतर पालते थे, जो असली दुबाज पालते थे, वह हमारे वसीम भाई है। उनसे अच्छे दुबाज मैंने किसी के नहीं देखे भाई साहब। जब मैं छोटा हुआ करता था तो वह मैं घर के पास ही पाल लिया करते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी जॉब लग गई, दिल्ली में है वह बैंकिंग साइड में। वो बड़े अच्छे हैं, मतलब अखलाक के आदत अखलाक के हैं। इनसे अच्छे दुबाज नहीं थे, इन्होंने कम से कम 33 दुबाज एक साथ उड़ाया है, और इन्होंने एक ही जोड़े से सारी नस्ल बनाई है, ये देखिए आप। और अब इसके बाद जो शौक लगा है वो आज़म को लगा है दुबाजों में, जो हमारे जान पहचान में है। ये देखिए पूरा कबूतर दिखा भाई हो, और मैं इससे शौक कराता हूँ। ये देखिए ये अंडे पे बैठी है कबूतरी, इसका नर का शौक कराता हूँ। नर है मादी ने? नर है, ये नर है। ये तो पिछली वीडियो में भी शौक कराया था हमने भाइयों को। ये देखिए इसकी नबी कटी हुई है, और ये देखिए कितने खूबसूरत। और ये फड़फड़ की आवाज़ गाइस पतंगबाजी की आ रही है, दोपहर में बड़ी अच्छी धूप निकल रही है। अब ठंड को हमने कह दिया बाय बाय, और अब बड़ी अच्छी धूप निकलने स्टार्ट हो गई है। देखिए खूबसूरत गाइस, ये देखिए आप, ये गोला दुबाज नहीं है, जो मतलब एक एक दो दो मिनट बैठ के उड़ के बैठ के कहीं पे बैठ जाते हैं। ये उड़ान दिखाते हैं कबूतर कम से कम 6-6, 7-7 घंटे। ये देखिए इसका एक पल्ला तो सफ़ेद है, एक पल्ला दुबाज है। उड़ते हुए बड़े खूबसूरत से लगते हैं ये फ्रेंड्स, और आपको दुबाज ही दिखाई दे रहे होंगे। और आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे कबूतरों को क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, क्योंकि गाइस काशनी कबूतरों को बहुत सी लैंग्वेज में आप भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं गाइस। हम तो आप भी कहते हैं, काशनी दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं, मगर जो कि हमारे भाई है वो काशनी की लैंग्वेज में जानते हैं, तो हम काशनी कहते हैं। ये देखिए ये मादीन है, इसका शौक करिए। ये कहाँ से आई थी आज़म तेरे पास? जोड़ा लाया था। कितना का? 1500 रुपये का जोड़ा। ये देखिए कितने साल हुआ है? अभी तो 1-2 महीने हुए। 1-2 महीने हुए। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत जोड़ा है, और खूबसूरती देखिए गाइस इसकी, माशाल्लाह से मन खुश हो जाए, बड़ी अच्छी खूबसूरती है कबूतरों की। और ये देखिए, और यहाँ पे भी कोई दुबाज है या नहीं? ये देखिए गाइस, एक कबूतर का बड़ा जानेशीन कबूतर का शौक कराता हूँ। आदम जब तुमने ये पकड़ा था कितनी मोहर लग रही थी इस पर? चार मोहरें लग रही थी इस पर,
और छल्ले जबके डले तूने डाले? नहीं डाले। ये तूने डाले? कितने साल हो गए तेरे पास ये? करीब 2-3 साल हो गए। इसका पट्ठा गाइस हमारे यहाँ शाम तलक उड़ता है, मतलब हसीन उस्ताद के यहाँ शाम तलक उड़ता है। इसे 2 साल हो गए कम से कम। और ये कितने साल हो गए पकड़े? इसी साल तुमने बच्चा करवाया था? 2 साल हो गए इसे। 2 साल हो गए। और इस पट्ठे को भी कम से कम 2 साल होने को हो गए, क्योंकि गाइस हमने इसे उड़ी हुई कबूतरी दी थी अपनी मंद्रासन लाल, उससे इसने बच्चा करवाया था। तो ये समझ लीजिए बड़े अच्छे अच्छे बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है इनका जब वे हिलते उड़ते। ये देखिए आप मंद्रासियों का, जिन्हें शौक होगा मुझे मंद्रासी भी ज़्यादा पहचान नहीं है, आजम के पास ही देखने को मिलता है। हमारे पास एक मंद्रासी है, 2 है फिलहाल, इसके 2 पट्ठे हमारे पास है। जो इसने पहले बच्चे 2 बच्चे कराए थे ना, वो सबसे पहले इसने हमें दिए थे। ये देखिए, क्योंकि मादीन हमने दी थी इसे उड़ाने के लिए, तो हमारी इससे बात तय हो गई थी कि पहल के 2 बच्चे तू हमें देगा और बाकी मादीन तू रख लियो। और एक जोड़ा का शौक और कराऊंगा। चलो एक जोड़ा का शौक और कराता हूँ। और अभी हाल फिलहाल ही इसके पास वो मादीन मर गई हमारी, कम से कम 1-1.5 बजे तक की उड़ी हुई थी वो लाल मंद्रासन, वो खेल में से लाए थे हम, वो भी उड़ी हुई खरीदी थी हमने, मतलब कि उसने पूरा खेल बेच दिया था अपना। और ये देखिए गाइस, और ये देखिए आदम ने अंदर दाना डाल दिया है और अब ऐसे बन कर रहेगा। ये होता है दुबाज कबूतर, दुबाज। और ये देखिए दूसरी मंजिल तैयार करती है। और फरीद भाई का अड्डा है सामने, जैसे कि हमारे बिलाल भाई, जो कि उनका अकाउंट बिलाल लंदन से है, और अक्सर मुझसे कहते रहते हैं कि फरीद भाई के कबूतरों की वीडियो बनाइए। तो गाइस अड्डा देख लीजिए, फरीद भाई से बहुत अच्छी मतलब नमाज में मिलते रहते हैं अक्सर, बहुत अच्छे आदत अखलाक के हैं। और इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो इनके कबूतरों को भी आपको शौक कराएंगे हम। ये देखिए आप, वो सारे दुबाज कबूतर देखने को मिल रहे होंगे आपको। और ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं उड़ते हुए। ये देखिए गाइस, भागने का तो ना ही लगा दो, शौक करा दो बस। अब कैमरा मैंने पकड़ रखा। ये देखिए गाइस, 2 नीले बच्चे नीले। अब ये पट्टी बढ़िया यार तेरी, ये उड़ेगी इसे, ये कम से कम 1-2 बजे तक उड़ेगी आदम तेरी। घर की है उसकी होगी वो हो? जिसकी जिसकी बैल की पट्टी 12 बजे आई थी। ये बैठे दो। हाँ ये बात, यसीन मैंने दिया था, ये जुड़ा है। ये देखो गाइस कितने लंबे बच्चे, और इसमें देखो ये लाल शेड आ रहा है। मादी नहीं निकली सारी, सारी मादी नहीं निकलती है, एक भी नर नहीं है अभी तक। कितने बच्चे हो गए तेरे पास? 5 बच्चे और पाँचों मादी नहीं है। देखे गाइस ये है गाइस, इन्हें तो उड़ने वाले कबूतर को तो देख के ही पता चल जाए कि उड़ने वाला, वो खुद बता दे कि मैं उड़ने वाला। मगर गाइस इसने भारी बहुत कर रखा है, अगर ये हिला होगा तो बस हिलना चाहिए इसके यहाँ, और बाकी उड़ने की तो इसकी खुद ही गारंटी दे रही है कि मैं उड़ रहा हूँ। जोड़ा दिखाऊंगे, पकड़ी थी मादीन, पकड़ी थी। तो बस मैं कबूतर दिखा रहा, आप कबूतरी के बारे में बता दो। यो पर खोल लेते इसके, 3 घंटे उड़ चुकी है बुलंदियों में। अच्छा, वो है वो जिस दिन माया था और ये उड़ गई थी। ओहो, ये जब मैं कह रहा था यार ये पाकिस्तानी सी लग रही कबूतरी तेरी। ओहो, ये है वो सौदा, जब मैं आता तो बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी यार। ये मैली कुछ कर दी, बच्चे बच्चे पलवा गया तुमने, तो 3 घंटे क्रॉस करा लिए तुमने इसे, 3 घंटे क्रॉस खुद ही उड़ गए। और ये देखिए बारीक तिल इसका, और बड़ी खूबसूरत सी चिंदन है, कलर पर मत जाना गाइस, बनी हुई कबूतरी है। वो कहाँ तेरा करकरा जो शाम शाम तक बैठी है? ये देखिए गाइस नीले बच्चे भी है। और ये गाइस ये इसका कबूतर मुझे सबसे जानशीन लगता है, ये शाम शाम तलक उड़ता है जिसके यहाँ। देखिए ये तलवार वाले पल इसके, ये राय जी 3 के शुरू स्टार्टिंग के पर खड़े, और इसके यहाँ शाम शाम तलक उड़ता है जी, शाम शाम तलक। और इसकी उड़ान बहुत प्यारी लगती है मुझे, बड़ा खूबसूरत लगता है। आजम का बड़ा दिलादा कबूतर है जी वो करकरा, कितनी मोहब्बत होगी थी इससे, बहुत ज़्यादा। इतना घर वालों से नहीं किससे? ओह ऐसा नहीं गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कबूतर से ज़्यादा हो कि घर वालों से कम हो, ये तो मजाक की बात थी।
और ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये कह सकते हैं इसके कबूतरों की शान है। अगर इसके कबूतरों में यो कबूतर ना हुआ तो इसकी कबूतरबाजी फिक्की है, ख़त्म ख़त्म है बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा जाना सीन कबूतर है और बिल्कुल ऐसा है, इसने मजाक में कह दिया, मजाक में भी कहना नहीं चाहिए गाइस ऐसा कि घर वाले से भी मोहब्बत नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी वो हमारे घर वाले हैं जिन्हें हमें पैदा करा और इतना देखभाल से रखा। और गाइस सभी से ये अपील है कि अपने घर वालों की इज्जत करा करें। और गाइस खता तो सबसे होती रहती है और घर वालों का काम समझाने का और डांटने का ही होता है, और गाइस उनकी बात का मान के चले क्योंकि वह हमेशा हमारी बेहतराई जानते हैं, हमारे बेहतर के लिए जानते हैं। एक वही दुनिया में ऐसे इंसान होते हैं जो हमारी बेहतराई के लिए सोचते हैं, ये देखिए गाइस। और गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में और अच्छे कबूतर के साथ और अच्छे शौक के साथ। इस कबूतर को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसे पकड़ रखा है, ये देखिए आप। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में और अच्छे कबूतर के साथ और अच्छे शौक के साथ। गाइस इस कबूतर के अंदर वो खासियत है कि खैरों को देख के घर छोड़ देता है, दूसरे की पट्टियों पर जाके उड़ता है लंबी लंबी पट्टियों पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको शौक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में और अच्छे कबूतर के साथ और अच्छे शौक के साथ। जितना हो सके हमारी वीडियोस को ग्रुप के अंदर शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो।